हेलो नमस्कार। संगीतांजलि म्यूज़िक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। आज मैं दुनिया में जितने भी भारतवासी रहते हैं उन सब को 67th इंडिपेंडेंस ईयर के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं सबको। स्वतंत्रता का जो असली अर्थ है कि अपने जीवन को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को अपने तरीके से बिना किसी बंधन के हम संवार सकें, उसकी उन्नति कर सके और उसके प्रति जो भी कार्य हमें करना है वो हमें करना है और हम उसे कर सके, उसमें कोई रोक ना सके। आजादी का अर्थ ये है, हम अपने पूरे देश की उन्नति कर सकें अपनी इच्छा के अनुसार। इसीलिए मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ साथ सभी भारतवासियों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि अपने भारत की जो संस्कृति है, उसकी जो आस्था है, उसकी जो पवित्रता है, उसके अंदर रहने वाले हर भारतवासी का जो दिल होना चाहिए, एक प्यार मोहब्बत होना चाहिए हमारे अतिथि के प्रति, मेहमान के प्रति, हमारे अपने रिलेटिव्स के प्रति, संबंधियों के प्रति, वो बढ़े। आज जिस तरह वो घटता जा रहा है, जिस तरह हम अपने समाज में स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी गंदगी को स्थान देते हैं, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, किसी भी चीज में स्वतंत्रता के नाम पर जो हमारी गलत अभिव्यक्ति होती है हम उसे रोकें और अपने समाज की प्रगति पर ध्यान दें केवल कि हम प्रगति किस तरह करेंगे। क्योंकि जब ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये सब फैलता है तो हमारी उन्नति रुक जाती है, हम प्रगति नहीं कर पाते हैं। जिस तरह आज हमारे समाज में जात पात, धर्म, ऊंच नीच, ये सब भेदभाव जो हमारे समाज में है, आज हमें उसे आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक संकल्प करना चाहिए कि हमें इन कुरीतियों को हम अपने समाज से दूर कर सकें। हम स्वतंत्र हैं अपने को प्रगति करने के लिए, अपने को उन्नत करने के लिए, परंतु आज भी हम उसका पूरा फायदा नहीं उठाते हैं। हम गंदगियों में फंस जाते हैं, गलत काम हम कर रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता के मिलने के कारण, परंतु हम अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं जितनी उन्नति हमें करनी चाहिए। इसीलिए मेरा यही संदेश होगा, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल के सभी सदस्यों की ओर से यही संदेश होगा कि सभी लोग इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लें कि हम अपने देश में हर तरह की कुरीतियों को दूर करके रखेंगे और सफाई और स्वच्छता और किसी भी भ्रष्टाचार के प्रति लड़ेंगे और उसे अपने देश से, अपनी स्वतंत्रता के नाम से, अपनी स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के रूप में उसे दूर करके फेंकेंगे और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का, एक अच्छे राज्य का और एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे जिसका नाम भारतवर्ष होगा, जिसका नाम हिंदुस्तान होगा और पूरे दुनिया में भारतवर्ष ठीक उसी तरह फिर से अपना सम्मान प्राप्त करेगा जो सम्मान आज से बहुत दिन पहले भारतवर्ष को हुआ करता था। ठीक है, इसी संकल्प के साथ हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
मैं आपको एक गीत सिखा रहा हूं हारमोनियम पर, आप सभी लोग इसे सीखें हारमोनियम पर बजाना और इसे गाएं और ठीक वही चीज अपने अंदर उस भाव को लाएं ताकि अपने देश के प्रति एक सच्चाई, एक ईमानदारी और एक निष्ठा पैदा हो। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल की ओर से हमारे देश के सभी जवानों को हम सैल्यूट पहुंचाते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका गुणगान करते हैं कि आज उनके बल पर भारतवर्ष स्वतंत्र है और सभी नागरिक सुरक्षित अपना काम, अपनी प्रगति करने में लगे हुए हैं। उन जवानों को हम सैल्यूट करते हैं और उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए अपनी जान तक गंवा दिए परंतु भारतवर्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़े, उन सभी को हमारा सैल्यूट है। ठीक है, आइए आज हम ये गाना सीखते हैं हारमोनियम पर और इसे मैं एफ शार्प से बजा रहा हूं क्योंकि ये जी शार्प से है तो एक स्वर मैं नीचे कर रहा हूं इसे, ताकि जिनकी आवाज थोड़ी नीचे है वो भी गा सके इसे। आइए शुरू करते हैं और ये गाना है ए मेरे प्यारे वतन। ठीक है, और इसके म्यूजिक और सब कुछ मैं कोशिश करता हूं आपको देने का, आप इसे कोशिश करें याद करने का। ठीक है, सबसे पहला म्यूजिक। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये ताल रूपक में है, सात मात्रे में ये बंधा हुआ है, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। ये देखें, पहला म्यूजिक जो है वो इस तरह से है, सा 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 गा रे गा, ध्यान से देखें, सा 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 गा रे गा मा रे गा सा। अब इसे बजाएं, दो बार बजेगा ये म्यूजिक, सा 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 गा रे गा मा रे गा सा, सा 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 गा रे गा मा रे गा सा, नी नी सा पा मा पा मा। दूसरी लाइन म्यूजिक में ये है, नी नी सा पा, नी नी सा पा मा पा मा पा मा पा मा, ध्यान दें इस पर, नी नी सा पा मा पा मा पा मा पा मा। तीसरी लाइन, गा मा गा सा नी सा पा नी सा, फिर से, गा मा गा सा नी सा पा नी सा 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 पा नी सा सा पा नी सा। इतना ये म्यूजिक है, अब इसे आप लिख लें और उसके बाद इसे पूरी तरह बजाएं, इस तरह बजेगा ये, रेडी, सा 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 गा रे गा मा रे गा सा। एक बार ये म्यूजिक बजेगा, गौर करें नोट्स पर, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। फिर से गौर करें, ए मेरे प्यारे वतन, सा सा
सा सा सा सा सा सा गा रे गा मा मा गा गा ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे रे गा रे सा ए मेरे बिछ रे गा रे सा 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 रे चमन गा रे गा मा मा गा गा। अब दोनों पंक्ति को एक साथ देखें ए मेरे, अच्छे से मैं और थोड़ा स्पीड स्लो कर देता हूँ, ध्यान से देखें ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे रे गा रे सा 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 ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे रे रे मा गा गा सा 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 तुझ पे दिल कुर्बान। अब इसे थोड़ा सा स्पीड करके मैं गा रहा हूं ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। अगली पंक्ति देखें तू ही तू ही, यहां पर ये गमक जैसा है और फास्ट है सा नी 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 तू ही मेरी तू ही मेरी आर आर जू आर जू तू ही मेरी आर जू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान। अब इसका नोट्स मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। तू ही सा नी 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 तू ही मेरी तू ही मेरी सा नी 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 सा सा आर पा मा जू मा पा मा गा जू आर जू तू ही मेरी गा 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 रे गा आबरू आब मामा गा मा गा रे आबरू तू ही रे गा मेरी जान तू ही मेरी रे गा रे सा सा। और ये कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं ये तीन स्वर क्या दबाते हैं, इसे कॉर्ड्स कहते हैं। तो जिसमें शुद्ध ग और प लगता है उसमें ये कॉर्ड्स बजते हैं, इसको इंग्लिश में मेजर कॉर्ड भी कहते हैं मेजर कॉर्ड, और अगर कोमल का यूज होगा तो ये माइनर कॉर्ड होता है। ठीक है ए मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तुझ पे मेरी।
ये हो गया। अब आगे देखें, अब इसके बाद एक म्यूजिक है, नी सा मा गा मा गा मा गा सा नी सा, नी तीन बार है, नी 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 सा मा गा मा गा मा गा सा सा पनी सा। इस तरह से उसमें म्यूजिक बजा है सितार का, इसमें है सा पनी सा सा। अब इसके बाद अंतरा शुरू होता है, तेरे दामन से जो आए आए, ये स्वर है धनी धपा, तेरे दामन से जो आए, तेरे दामन से पूरा पापर है, पापा पापा पा 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 धा धनी दपा दपा, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं उन हवाओं, पा धा पद पा मा गगरे गमा, उन हवाओं को सलाम। ठीक है, नोट्स पर ध्यान दें, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, फिर से उन हवाओं को सलाम, रेस गारे गामा। उसके बाद एक शॉर्ट म्यूजिक है इसमें, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। ये नोट्स है, पा मा पा मा गरे पा मा पा मा गरे रे रे गा मा पा। ठीक है, ये म्यूजिक बीच में बजेगा, और फिर तेरे दामन में बोलेंगे, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। फिर दूसरी पंक्ति, चूम लू मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। बिल्कुल समान है दोनों, सेम नोट्स है जो पहली लाइन का है, उस चूम लू मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। उसके बाद फिर वापस, यहां सबसे प्यारी सुबह तेरी, इसमें थोड़ा सा अंतर है वर्ड शब्द के कारण, सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान। और ये जो पंक्ति है ये ठीक उसी तरह जैसे आप ऐ मेरे प्यारे वतन गाते हैं, सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान। अब ये स्थाई और अंतरा का जो म्यूजिक हुआ पूरा जो बजाए वही बजेगा पूरे पैराग्राफ्स में। ठीक है, तो अब मैं
पूरे पैराग्राफ्स को म्यूजिक बजाते हुए मैं गाता हूं, आप ध्यान दें, ठीक है? शुरुआत करते हैं म्यूजिक से, फिर से।
तेरी जमीन को दूर आ पहुंचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुंचे हैं हम, फिर भी है हम जहां पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। हम जहां पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। इस तरह अगर आप इसके स्थाई के नोट्स को बहुत ही धीरे धीरे आराम से निकालें तो आप इसे बहुत अच्छा बजा सकते हैं। सारे नोट्स मैं बता दिया हूं आपको, म्यूजिक का भी और पैराग्राफ्स का भी, ठीक है। और बड़े ही भाव से इसे उसी जोश में और वही जो हमारे देश के प्रति जो हमारे अंदर एक स्रोत भाव होना चाहिए, एक प्रेरणा होनी चाहिए, उसको मन में रख करके अगर इसे बहुत ही आराम से गाया जाए, क्योंकि इसका स्पीड स्लो है, तो दिल में इसे बसा करके दिल से अगर गाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये गाना, ठीक है। तो जो भी ये कंपोजिशन बनाए हैं उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन बनाए हैं और बहुत ही भाव विभोर गाया गया है इसे। मन्ना डे जी बहुत अच्छा गाए हैं इसे। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर संगीतांजलि म्यूज़िक स्कूल की ओर से, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, इंडिया की जो डायरेक्टर हैं संगीतांजलि म्यूज़िक स्कूल की, मिसेस रानी, उनकी ओर से और हमारे सभी स्टाफ की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, फिर किसी और गाने के साथ, फिर किसी और टास्क के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और अंत में एक और बात कहूँगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके बहुत ही फायदेमंद चैनल होगा ये। इसमें हर हमेशा मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, शास्त्रीय संगीत के टिप्स, लाइट म्यूज़िक के टिप्स, तबला के टिप्स और भी बहुत सारी चीज़ मैं डालता रहता हूँ, तो आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि क्या अपलोड किया गया है, ठीक है। और कमेंट्स आप डालना जानते ही हैं, और लाइक्स बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक्स बटन दबाएं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें उत्साह देता है और भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। तो आप हमारे उत्साह को इसी तरह बढ़ाते रहें अपने प्यार से, और हम इसी तरह कुछ ना कुछ आपके आनंद के लिए, सीखने के लिए डालते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।